कुछ ही देर में हम लफरी पहुंचने वाले हैं, तो बेदमी से अब बाईं तरफ की सड़क पर हम मुड़ेंगे, दाहिनी तरफ नहीं जाना है। तो यहां से लफरी की तरफ अब हम मुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा लैंडस्केप है पूरा ओड़गी विकास खंड का, और काफ़ी जंगल है अभी भी, काफ़ी दूर दूर गांव और घर हैं। लफरी पहुंच के हम आपको दिखाते हैं कि इस समय बरसात के मौसम में लफरी का नज़ारा कैसा है। यहां से दाहिनी तरफ हम मुड़ेंगे लफरी के लिए, और ओड़गी की तरफ से आएंगे तो बाईं तरफ मुड़ेंगे। मुख्य सड़क से थोड़ी ही दूर पर यह जलप्रपात है, ओड़गी का बहुत शानदार जलप्रपात है। देखिए आवाज़ झुरमुट के इधर सुनाई दे रही है। बस इन थोड़े से पेड़ पौधों को पार करेंगे और विहंगम नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं लफरी का। चंद कदम और बचे हैं। रेण नदी पर ये सुंदर जलप्रपात, बरसात का समय है तो अभी पानी की मात्रा भी ज़्यादा है, कलर भी थोड़ा लाल है, पूरे उफान पर है ये झरना, और नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। धूप तेज है, वाओ अमेजिंग। अद्भुत नज़ारा लफरी जलप्रपात का। ये जो बालू का टीला दिख रहा है ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है, और जहाँ तक टीला है जब बारिश का पानी ज़्यादा हो तो नदी का जो बहाव है वो वहाँ तक रहता है। थोड़ा और नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ जलप्रपात का जो पानी बह रहा है उसमें भी एक संगीत है, उस संगीत को सुनिए और महसूस कीजिए। सूरजपुर ज़िले में ओड़गी विकास खंड का ये लफरी जलप्रपात, कितने सुंदर पत्थर है, पानी के कटाव से इसमें आकृतियां बनी हैं, और सामने पहाड़। यहां से देखिए क्या गजब का व्यू है, चट्टान इसकी आकृति देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, जैसे किसी ने नक्काशी की है। पानी का कोहरा उड़ रहा है, बालू के टीले